नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चोगामा की आवाज। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी द्वारा धरना देकर एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी चंद्रभूषण को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर लगातार हमले हो रहे हैं। अभी हाल ही में उन पर हमला हुआ है, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। जो सुरक्षा उन्हें दी गई थी वो भी प्रदेश सरकार के द्वारा हटा ली गई है, इसलिए वो मांग करते हैं कि जल्द ही चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि उन्हें कोई भी किसी तरह की हानि न पहुंच सके। माह में राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। वो ज्ञापन इसलिए देने जा रहे हैं कि जो हमारे भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की जो सुरक्षा दी गई थी, सुरक्षा भी घटा दी गई है। हम यहाँ से राज्यपाल से मांग भी करते हैं कि उन सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए। दूसरी बात, 26 तारीख को हमारे मुजफ्फरनगर जिले में गाजियाबाद से चलकर आए थे वीर नर्दन जी, वो रामपुर चौराहे से कुछ अज्ञात गाड़ियां लगी पीछे से, जिन्हें जान से मारने का पूरा परा प्रयास किया, अटैक किया। शासन प्रशासन कहीं उन्हें भी सुरक्षा नहीं दे जा रही, तो हम वीर नर्दन जी के लिए सुरक्षा की मांग करते हैं। ठीक है, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती, आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में बहुत एक छोटा सा धरना प्रदर्शन है। जल्द जिला मुजफ्फरनगर के अंदर अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो एक धरना प्रदर्शन बड़ा किया जाएगा, एक विशाल धरना प्रदर्शन की घोषणा की जाएगी। धरना प्रदर्शन ऐसा होगा जैसे गमक और चाक अलग चमकेगी यहाँ पर। देखो, कानून व्यवस्था का एक झूठा ढोगला है कि कानून व्यवस्था हमने कर दी, ये कर दी भाजपा सरकार, योगी सरकार के राज। आए दिन यहाँ माता बहनों के बलात्कार होते हैं। अब एक घटना कल आई थी, एक महिला कॉन्स्टेबल का जो रेलवे पुलिस में थी, उसका बहन के साथ बलात्कार किया गया। आए दिन यहाँ कोई बहन सुरक्षा नहीं है, कोई अधिकारी सुरक्षा नहीं है, और दलितों में खासकर जब कोई नेता उभरा है तो सरकार ने कदम कदमपुर से जान से मारने की नीयत से काम किया। चंद्रशेखर भाई बाल बाल बचे हैं, पूरा काम इस सरकार के द्वारा गया था। आज भी सरकार ने उस हत्या के आरोपी को जो मास्टर माइंड थे इस केस के, उन लोगों का आज भी खुलासा नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने काम में फैल है। तो मैं राष्ट्रपति से मांग करूंगा जल्द से यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।